बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम करने जा रहे हैं चित्र वर्णन। क्या करने जा रहे हैं? चित्र वर्णन। तो बच्चों, यहाँ नीचे हमें एक चित्र दिया है जिसे आपको देखना है और उसके बारे में नीचे कुछ वाक्य लिखने हैं। आपको यहाँ पे 5 वाक्य बनाकर दिखाने हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले देखना है कि ये चित्र किसका है, तो हमें सोचना है कि क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में हमें, कि ये चित्र हमें एक बगीचे का दिखाई दे रहा है। और इस बगीचे में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और सारे बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें? खुश दिखाई दे रहे हैं। और इसमें क्या है? झूले दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आपको बहुत ध्यान से इस चित्र को पहले देखना है कि इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पे देखिए, बगीचे में फूल खिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तितली भी दिखाई दे रही है, पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, 2 बच्चे गेंद से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है, गुब्बारा भी दिखाई दे रहा है, और ये बगीचा कैसा है? बहुत हरा भरा है। तो इस तरह आपको पहले सोचना है कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ से आपको नीचे वाक्य बनाने हैं। तो जैसे पहले, सबसे पहला वाक्य हमें ये बनाना होता है कि ये चित्र किसका है, या इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ये चित्र किसका है बच्चों? एक बगीचे का है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यह चित्र एक बगीचे का है। तो इस तरह सबसे पहला वाक्य हम क्या बनाते हैं? जिस चीज़ का ये चित्र हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, जैसे मैंने एक वाक्य आपको यहाँ बनाकर दिखाया है, और बहुत सारे वाक्य इस चित्र से आपको मैंने समझाए हैं बना के, तो आपको यहाँ पे और वाक्य बनाने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।